हेलो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक. इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द पेपर 3, दैट इज़ यूनिट 2, पॉइंट नंबर 1.2, एंड द टॉपिक नेम इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शंस ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, इसमें हमें जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, उस सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में, ये हमें ये टॉपिक में पढ़ना है. तो हमें कौन से ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोजोम एंड प्रोक्सीजोम. इन सब के बारे में हमें ये टॉपिक में पढ़ना है. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेल ऑर्गेनल्स. द स्मॉल ऑर्गन्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल आर कॉल्ड एज द सेल ऑर्गेनल्स. ओके, द स्मॉल ऑर्गन्स Small organs present inside the cell called as cell organelles. Okay. जो छोटे छोटे ऑर्गन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनल्स. सो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. ओके, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. अमंग देम फर्स्ट इज द न्यूक्लियस, देन द माइटोकॉन्ड्रिया, देन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, then Golgi complex, lysosome, peroxisome, plastid, chloroplast. Okay, it is also called as the chloroplast. Then vacuoles एक्सेट्रा, ये सब होते हैं इनसाइड द सेल एंड दिस आर कॉल्ड एज द सेल ऑर्गेनल्स. तो हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल का. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. इन दिस मिडल इज द न्यूक्लियस. ओके, बीच में होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस. ओके, दिस इज द न्यूक्लियोलस. देन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, then vacuoles, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो अगर यहाँ पे इफ इट इज इन द डॉटेड स्ट्रक्चर देन इट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर सिंपल स्ट्रक्चर में है तो इट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन अगेन वन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज द गॉल्जी बॉडी और गॉल्गी कॉम्प्लेक्स एंड सम लाइजोजोम्स आर प्रेजेंट. दिस इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन. एंड अगेन डिटेल में हम न्यूक्लियस में जब पढ़ेंगे तब न्यूक्लियस के पूरा अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ये हो गया एक
सेल का एक यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस, ओके न्यूक्लियोलस, देन दिस वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, सम दिस लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दैट इज द प्लास्टिड और वी कैन से क्लोरोप्लास्ट, ओके, एंड द मटेरियल विच इज इनसाइड द न्यूक्लियर सॉरी इनसाइड द सेल इज साइटोप्लाज्म, देन दिस आर द लाइजोजोम, देन दिस आर द वैक्यूल्स, दिस वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक, दिस वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज द गॉल्गी बॉडी और वी कैन से गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एक यूकैरियोटिक सेल का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, एंड सेकंड इज द यूकैरियोटिक। Prokaryote. From this, the pro is the primitive, and this karyotic, that is the karyon, is a nucleus. So, primitive nucleus. For example, like the bacteria. Okay, in the bacteria, the prokaryotic cell is present, and eukaryotic. Eukaryotic. U means true, and karyotic means nucleus, that is the true nucleus. So it is present inside the animal and plant. Animal and plant. So in our topic we are going to study about the eukaryotic cell type. Okay, eukaryotic cell के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहला लेते हैं nucleus. ओके सो न्यूक्लियस, सो इट कंट्रोल्स द सेंटर ऑफ द सेल, ओके न्यूक्लियस ऑलवेज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सेल, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट कंट्रोल्स द सेंटर ऑफ द सेल, ओके इट कंट्रोल द सेंटर ऑफ द सेल और वी कैन से इट इज द कोर ऑफ द सेल, ओके कोर ऑफ द सेल। सो न्यूक्लियस कंटेन्स द डीएनए, ओके और द जेनेटिक मटेरियल विच डिटेक्ट्स वॉट टू डू और नॉट वॉट टू डू, ओके डीएनए डिटेक्ट करता है कि हमें क्या फंक्शनिंग करना है और क्या फंक्शनिंग नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात तो ये जेनेटिक ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन। सो क्रोमैटिन फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ओके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्रोमैटिन होता है, व्हेन द सेल रेडी टू डिवाइड्स डीएनए कंडेंस एंड द स्ट्रक्चर इज फॉर्म इज क्रोमोसोम। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लो, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, इनसाइड दिस द न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज अ क्रोमैटिन एंड इनसाइड दिस द न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट।
सो अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्म, ओके, सेल के अंदर प्रेजेंट है इसलिए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म. सो इट कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, देन सम न्यूक्लियर पोर्स. ये जो खाली जगह दिख रही है ये क्या है? न्यूक्लियर पोर, देन द न्यूक्लियोलस, देन दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज क्रोमैटिन, एंड इनसाइड दिस डॉटेड लाइट स्ट्रक्चर इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, तो क्या होता है जब सेल को डिवाइड होना होता है, जिस टाइम पे सेल को डिवाइड होना होता है तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कंडेंस हो जाता है इस टाइप से. इसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स. ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं. सो द न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन. ओके, इट्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट्स ब्राउन, एंड इट कंट्रोल्स द सेंटर ऑफ अ सेल, और वी कैन से इट इज अ कोर ऑफ अ सेल. देन इट कंट्रोल द फंक्शनिंग इन द सेल, ये सेल की फंक्शनिंग कंट्रोल करता है. सो इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ सेल. देन ईच न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस. ओके, इट मीन्स न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, देन द क्रोमैटिन एंड द न्यूक्लियो प्लाज्म. दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द डीएनए और अ जेनेटिक मटेरियल. ये न्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए और जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करता है विच डिटेक्ट्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. ओके, द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस, सॉरी, न्यूक्लियस कंटेंट डीएनए. ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? डीएनए को जेनेटिक मटेरियल. ओके, सो ये क्या डिटेक्ट करता है कि हमें कब करना है और कैसे क्या करना है. सो इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो न्यूक्लियर एनवलप बोल रहे हैं इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज अ डबल लेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड. ओके, तो जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो कैसे होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स. विच इज इन द डबल लेयर, विच इज इन द डबल लेयर. सो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में. अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे इसके एक एक स्ट्रक्चर को लेके. सो फर्स्ट इज द न्यूक्लियर एनवलप. सो द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. सो फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
So the nuclear envelope is a double layer parallel membrane sheet which separate the nucleus from the cytoplasm. ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप का सबसे बड़ा क्या काम है कि वो साइटोप्लाज्म से सेल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करता है. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये जो है साइटोप्लाज्म है. ठीक है, ये पूरा इसके अंदर सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है. तो ये न्यूक्लियर एनवलप है. ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप है. तो ये न्यूक्लियर एनवलप क्या कर रहा है, सबसे पहले तो सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को ये अलग रख रहा है. ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म से क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को अलग कर रहा है. सो इट इज अ डबल लेयर, इट इज अ डबल लेयर एंड पैरेलल पैरेलल मेम्ब्रेन शीट विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म से वो अलग कर रहा है. देन नेक्स्ट, द आउटर मेम्ब्रेन इज रफ एंड द इनर मेम्ब्रेन इज स्मूथ. आउटर मेम्ब्रेन उसका कैसे है, रफ है, और इनर मेम्ब्रेन स्मूथ. सो क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स. ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम आउटर मेम्ब्रेन जो है उसका रफ है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है. सो द आउटर मेम्ब्रेन इज रफ एंड द इनर मेम्ब्रेन इज स्मूथ. तो रफ क्यों है, बिकॉज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर एक आउटसाइड लेयर में न्यूक्लियस के प्रेजेंट होता है, इसलिए आउटसाइड कैसे होता है, रफ होता है. देन द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अब सपोज ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस. ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इसका न्यूक्लियर एनवलप. तो यहाँ पे एक राइबोसोम्स प्रेजेंट है बहुत सारे, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन कैसे है, रफ है, और इनर इनसाइड से क्या है, स्मूथ है. तो ये कंटिन्यूअस है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, इट इज द कंटिन्यूअस विद द, ये यहाँ से कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. सो इट कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर एनवलप है. देन इट इज द यूनिट मेम्ब्रेन. ओके, इट इज अ यूनिट मेम्ब्रेन एंड 7 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर थिक. सो इट इज अ यूनिट यूनिट मेम्ब्रेन एंड 7 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर थिक. सो इट इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर एनवलप. देन द नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोलस. सो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होता है. ये स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियोलस. सो व्हाट इज न्यूक्लियोलस, इट इज अ लार्ज स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, इट इज अ लार्ज स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. देन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस द राइबोसोम्स आर मेड. न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स राइबोसोम्स आर मेड.
देन द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोलस इज डिपेंड अपॉन द सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम. न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होने चाहिए ये सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है. सो द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोलस इज डिपेंड अपॉन इट्स सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम. सो दिस न्यूक्लियस डू नॉट पजेसेस एनी मेम्ब्रेन. ओके दिस न्यूक्लियोलस डू नॉट पजेसेस एनी मेम्ब्रेन सो इट इज डायरेक्टली कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियोलस डू नॉट प्रेजेंट एनी मेम्ब्रेन सो इट इज डायरेक्टली कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस. So this nucleolus is composed of the ground substance called the matrix in which the networks of the fibers and the granules remain suspended. Okay. This nucleolus is composed of, it is composed of grounded substance. Called as the matrix, which consists of network of fibers and granules. Okay, ये nucleus के अंदर एक dotted structure और ऐसे granule structure present होता है. सो नेक्स्ट इज द क्रोमैटिन. अब ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस एंड दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज द क्रोमैटिन. सो दिस क्रोमैटिन इज फॉर्मिंग अ नेटवर्क विच रिमेन्स एम्बिडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. ये यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर ये एम्बिडेड होता है. सो द क्रोमैटिन इज अ फॉर्मिंग नेटवर्क forming network which remains embedded in nucleoplasm. Then it is the thread-like structure. But during the cell division, जब माइटोसिस मियोसिस होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिविजन, एक से जब दो सेल बनते हैं तो वो टाइम पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कंडेंस हो जाता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमैटिन. ये टाइप से, ठीक है, ये टाइप से स्ट्रक्चर में ये फॉर्म हो जाता है, कंडेंस हो जाता है. ठीक है, so during the cell division this chromatin condense yani sikud jate into a rod shape structure called as chromosomes. सॉरी मैंने इसको क्रोमैटिन बोला था, क्रोमोसोम्स. तो क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल डिविजन क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं इनटू द क्रोमोसोम. देन दिस क्रोमोसोम
कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर. दिस क्रोमोजोम कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमैटिन. देन नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म. दिस न्यूक्लियोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूक्लियर सैप. Also called as nuclear sap. So the nucleoplasm is bounded by the nuclear envelope. ठीक है, ये nucleus का structure था. इसके inside में nucleoplasm है. So ये न्यूक्लियोप्लाज्म और ये सेल, ठीक है, ये सेल था, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था और ये न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये किसके वजह से डिवाइड हो रहा है? ड्यू टू द न्यूक्लियर एनवलप. सो न्यूक्लियोप्लाज्म बाउंडेड बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवलप. Then it appears as a granule and the homologous fluid. It appears as a granular and homogeneous fluid. Then the enzymes such as DNA and RNA polymerase are also present inside the nucleoplasm. The enzymes like DNA and RNA polymerase are also present in the nucleoplasm. Then it contains the substance which are dissolved or suspended in the high proportion. ठीक है, ये इसमें जो है suspended होते हैं कुछ high proportion में substance. वो कौन से होते हैं? That are the protein, phosphorus and some of the nuclear acid. ठीक है, so it contains the substance contain the substance which are dissolved or suspended in it at high proportion. Of protein phosphorus and some nucleic acid. So ये सब हो गया न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में. नाउ द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो पहले तो ये कंट्रोल करता है पूरी सेलुलर एक्टिविटीज. ठीक है, जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है ये कौन कंडक्ट करता है? न्यूक्लियस. Then it contains the hereditary material DNA organized in the form of the chromosome. ये एक hereditary material contain करता है. ठीक है, कौन सा? तो DNA in the form of the chromosome. And it controls the protein synthesis. ठीक है, protein synthesis जो होता है वो nucleus में होता है. And the other metabolic activities, जो other metabolic activities होती है वो भी nucleus के अंदर perform करती है. Then the transportation of the material in
एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस इज कैरिड थ्रू द न्यूक्लियर पोर. जो हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आउटसाइड एनवलप में जो छोटे छोटे पोर्स देखे थे, तो इससे क्या होता है कि न्यूक्लियस के इनसाइड का जो मटेरियल होता है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों जा सकता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर. देन इट ऑल्सो टेक पार्ट इन द डीएनए रीएप्लीकेशन. ओके, इट ऑल्सो टेक पार्ट इन द डीएनए रीएप्लीकेशन, देन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरएनए एंड द फॉर्मिंग ऑफ स्प्लिंडर्स ड्यूरिंग द सेल डिविजन. ओके, तो क्या क्या फंक्शन है इसके, के इट कंट्रोल कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज, विच प्लेस वाइटल फंक्शन इन सेल. ठीक है, देन इट कंटेन्स द हेरिडेटरी मटेरियल, डीएनए विच इज इन द ऑर्गेनाइज फॉर्म दैट इज क्रोमोसोम्स. देन इट कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस. अब प्रोटीन सिंथेसिस क्यों होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स आर मेड इनसाइड द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, उसके वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. देन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज कैरिड आउट बाय न्यूक्लियर पोर दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ. देन इट ऑल्सो प्ले और इट ऑल्सो टेक पार्ट इन डीएनए रीएप्लीकेशन. Transportation of RNA and formation of splindars during cell division. तो ये सब हो गया न्यूक्लियस के बारे में. सो थैंक यू.